डार्क साइड ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब का एल्गोरिदम काफ़ी स्मार्ट है, जो कि अपनी ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज रखने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। एंड उसे बनाया ही ऐसे गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक देखें, ताकि भाई यूट्यूब का फ़ायदा हो उसमें। एंड यार आपका टाइम उसमें इन्वेस्ट हो रहा है या फिर वेस्ट हो रहा है, और आपका यार ओवरऑल फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, वो इस वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा। एंड इसीलिए इस वीडियो को यार दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट क्रिएटर्स के लिए एंड सेकंड पार्ट ऑडियंस के लिए है, और टाइम टाइम के हिसाब से डायरेक्टली आप पार्ट में जंप कर सकते हो। वीडियो को शुरू करने के बाद उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि कल आपने यूट्यूब पर कितनी वीडियोज़ देखी थी। मेरे को पता है यार आपको नंबर याद नहीं होगा, और नंबर याद कौन ही रखता है, सो वो फ़र्क भी नहीं पड़ता उससे। बट फ़र्क इससे पड़ता है कि कल आपने कितनी इन्फॉर्मेशन एक्वायर करी थी, और आज आपको उस एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन में से कितनी याद है, या फिर कितनी इन्फॉर्मेशन आज आपके वो काम आने वाली है। क्योंकि बहुत सारे लोग इन्फॉर्मेशन के नाम पे भाई अनबॉक्सिंग वीडियो देख लेते हैं, एंड उन्हें लगता है कि हमने इन्फॉर्मेशन एक्वायर कर लिया, बट इन्फॉर्मेशन का मतलब ये नहीं होता। इन्फॉर्मेशन का एक अलग लेवल का मीनिंग होता है, जो कि मैं कभी और एक्सप्लेन कर दूंगा। बट यार सच बात यही है कि आप जो देखते हो ना यूट्यूब पे, वो मोस्ट ऑफ द टाइम यानी कि 80-90% यूजलेस होता है, टाइम वेस्ट ही होता है। और आपके माइंड को यार ऐसे दिखाया जाता है कि वो एक आपके लिए इन्वेस्ट हो रहा है, एंड आपको काम आने वाला है वो इन फ्यूचर। वीडियो को शुरू करेंगे यार, बट उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। शुरू करते हैं यार बिना टाइम वेस्ट किए। सो ये क्रिएटर्स पार्ट है। अगर आप यार एक क्रिएटर हो या फिर क्रिएटर बनने की सोच रहे हो, तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस नीच में या फिर जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने की सोच रहे हो, जिस कैटेगरी में बनाने की सोच रहे हो, उसमें आपसे पहले आपसे ज़्यादा पॉपुलर एंड आपसे ज़्यादा ऑडियंस लेके बैठने वाले काफ़ी यूट्यूबर बैठे हुए हैं, जो कि भाई टॉप क्रिएटर सामने जिन्हें इस वीडियो में कहने वाले हैं। तो जितने भी टॉप क्रिएटर होते हैं ना, उनका जो कंपटीशन होता है सबसे बड़ा, वो कोई भी छोटे यूट्यूबर तो होता ही नहीं, बट छोटे यूट्यूबर्स का एक सबसे बड़ा कंपटीशन बड़ा यूट्यूबर होता है, जो उनकी ही नीच में उनकी ही कैटेगरी में वर्क कर रहा होता है। क्योंकि भाई जो बड़े क्रिएटर होते हैं, उनके पास हाई एंड डिवाइसेज रहते हैं, एंड टॉप ऑफ द नॉच की क्वालिटी रहती है। वीडियो क्वालिटी की बात करें, फिर हम वीडियो एडिटिंग की बात करें, सॉफ्टवेयर्स की बात करें, लगभग सब चीज़ टॉप ऑफ द नॉच होती है। बट सच बताऊँ ना, तो अगर आप यूँ सोच रहे हो कि भाई हम आज आएंगे एंड स्क्रैच से स्टार्ट करके अपने चैनल को बिल्ड कर देंगे, हम कुछ अलग ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, सबको इंटरेस्ट आ जाएगा, तो भाई बहुत कम चांस है कि आप ऐसी तगड़ी लेवल की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो कि भाई लोग क्वालिटी ना देखें, लोग आपके बोलने का सेंस ना देखें, लोग आपका कुछ भी नोटिस ना करें, बस आपकी इन्फॉर्मेशन लें एंड लिटरली आप पॉपुलर हो जाओ। तो इसके तो चांस लिटरली बहुत कम है। तो आप रियलिटी के साथ जितना चलोगे, लॉजिकली जितना सोचोगे, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके साथ। एक टाइम ज़रूर था कि भाई आप जैसी भी वीडियो डालो, जिस भी टॉपिक पे डालो, जिस भी टाइम डालो, कोई अब जो है डिमांड भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू उस टाइम के, और सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है। तो जितने भी टॉप क्रिएटर होंगे, वो आपका बहुत ही बड़ा कंपटीशन होने वाला है। तो आप यार कोशिश करो कि आप जो अपना कैटेगरी, जो भी किस कैटेगरी में वीडियो बनाने वाले हो, तो वीडियो की क्वालिटी, अपने बोलने का सेंस, या फिर आप जो भी वीडियोस में यूज़ करते हो अपने डिवाइसेस को, थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन से स्टार्ट करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ना कि बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करने से। कि बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे हम, तो भाई बिल्कुल ज़ीरो से बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं होता यार। एक टाइम पे था, बट अब तो बिल्कुल नहीं है। तो कोशिश करो थोड़ा सा लेवल अप करके ही स्टार्ट करो वीडियो क्रिएट करना। एंड अगर किसी भी चीज़ की इतनी प्रोबेबिलिटी है ही नहीं 100% कि भाई आप सक्सेसफुल होगे या फिर अनसक्सेसफुल होगे, तो हमेशा एक बैकअप ज़रूर से रखना चाहिए आपको। बड़े बड़े यूट्यूबर एंड कंटेंट क्रिएटर्स को देख के, उनको अपनी इंस्पिरेशन मान के यूट्यूब पे जाने के लिए लोग अपनी एजुकेशन छोड़ देते हैं, तो वो सबसे बकवास एंड वर्स्ट डिसीजन होता है, तो वो तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है। गाइस, ये सोशल ब्लेड करके है, इस पे चलो इस वेबसाइट पे अपने ही चैनल के एनालिसिस करते हैं, और थोड़े स्टैटिस्टिक आपको दिखाता हूँ, एंड आपको इससे पता चल जाएगा कितने ज़्यादा यूट्यूबर एंड कितने ज़्यादा लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, एंड कितनी मुश्किलें आपको आने वाली है सच बताऊँ तो। जुलाई 26 को 2021 में मैंने स्टार्ट करा था, और अभी मेरे सब्सक्राइबर देख सकते हो 145, एंड वीडियोज़ मैंने 40 अपलोड कर दिए, तो उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लेना कितने, क्या मतलब कॉम्पिटिशन नहीं बट स्ट्रगल देख लेना। और वीडियोस भाई हम व्यू हमारे आ चुके 25,000 के आसपास। और बात करें रैंक की, तो सोशल मीडिया रैंक एक बार छोड़ देते हैं हम यहाँ पे। सब्सक्राइबर रैंक हमारी 15,000 के आसपास, रुको देखता हूँ मैं इसके अंदर, तो 23.8 मिलियन चैनल ऐसे हैं जिनके मेरे से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। उसके अलावा बात करें हम, तो 21.5 मिलियन चैनल जिनके मेरे से ज़्यादा व्यूज़ है।
एंड यहाँ पे लास्टली अगर हम इंडिया की बात करें तो 1.6 मिलियन चैनल ऐसे हैं जो कि मेरे चैनल से ज़्यादा बेटर हैं एंड ज़्यादा सब्सक्राइबर व्यूज़ में, मतलब ओवरऑल बेटर है मेरे से। तो 1.6 का मतलब हो गया 16 लाख ऐसे चैनल्स हैं जिनके लिटरली मेरे से ज़्यादा अच्छे व्यूज़, ज़्यादा अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं एंड ज़्यादा अच्छी ग्रोथ है। तो डेफिनेटली यार आप भी अपने चैनल को ऐसे देख सकते हो और किसी और के भी एनालाइज कर सकते हो। सोशल ब्लेड से लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साइट का, मेरे चैनल का भी एनालिसिस वहाँ से आप कर सकते हो। तो यार आप देख सकते हो कितने ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर बैठे हैं अभी एंड कितने ज़्यादा लोग क्रिएट भी कर रहे हैं कंटेंट को। तो यार आपको कुछ उनसे अलग करना है या फिर भाई कम से कम स्टार्ट भी कर रहे हो ना तो थोड़ा टॉप से स्टार्ट करो, ना कि स्क्रैच से। फाइनली बस मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आप जो भी करने जा रहे हो या फिर जो भी डिसीजन ले रहे हो यूट्यूब क्रिएटर बनने का, तो वो यार थोड़ा दो तीन बार सोच लो। उसके बाद ये भी सोचो कि 5-10 साल बाद जब आप सोचोगे कि भाई मैंने एक डिसीजन लिया था इतने साल पहले, तो उसका रिग्रेट ना हो आपको, क्योंकि उस टाइम पे आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए यार। डिसीजन आप ऐसा लो कि 10 साल बाद आपको रिग्रेट ना हो उसका, उसके बाद आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई लिया था तो क्या ही दिक्कत होगी, लिया था बहुत बढ़िया डिसीजन था मेरा। तो कोशिश करो ऐसे सोचने की थोड़ा सा। और बाकी यार अब चलते हैं हम अपने ऑडियंस पार्ट में। YouTube के पास मंथली 2.1 बिलियन एक्टिव यूजर हैं एंड इनमें से मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो होती है वो टाइम पास करती है। ब्राउज फीचर में जितनी भी वीडियोस होती है वो बस स्क्रॉल करते रहते हैं, स्क्रॉल करते स्क्रॉल करते हैं एंड फाइनली उनको कोई वीडियो अच्छी लगती है जस्ट बिकॉज ऑफ थंबनेल या फिर इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव या आउट ऑफ द टॉपिक वाली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उनको थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लेती हैं, तो वो बस वीडियो को खोलते हैं, देखते हैं, चिल करते हैं एंड बस बंद कर देते हैं। बट यार आपको खुद को भी नहीं पता होता कि आपको उसकी ज़रूरत थी, उसको देखना चाहिए था या नहीं देखना चाहिए था। ये सब भाई एक टाइम पास कर रहे हो आप और आपको पता भी नहीं चल रहा होता कि ये आप टाइम पास करे जा रहे हो, टाइम पास करे जा रहे हो। बट यार ये आपको कैसे पता लगेगा वो मैं बताता हूँ। बट यार आप मेरे को बस इतना बताओ कि कितनी बार आपने किसी वीडियो को सर्च करके ढूंढ के उसे देखा है, क्योंकि जब आप सर्च करके ढूंढते हो एक वीडियो को और फिर उसे देखते हो ना तो ज़्यादा आपकी अटेंशन रहती है, क्योंकि भाई वो आपको रैंडमली नहीं मिला है, वो आपने सर्च किया है एंड फिर ढूंढ ढांड के भाई कहीं से आपने जुगाड़ करके लिया है या ढूंढा है, कहीं से भी मिला है आपको वो, तो भाई आप उसको ज़्यादा अटेंटिव और ज़्यादा मतलब अटेंशन के साथ देखते हो, तो वो ज़्यादा आपको असर और आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करती है वीडियो, ना कि जस्ट आप जा रहे हो स्क्रॉल किया आपने अनबॉक्सिंग वीडियो आ गई देख ली खोल के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको लेना ही नहीं है, लेना नहीं होता तो अनबॉक्सिंग देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक मोटिवेशन की वीडियो आ गई तो मोटिवेशन देख लिया भाई, मोटिवेट हो गए 10 मिनट के लिए, आप 10 मिनट कुछ कर लिया फिर वापस आके यूट्यूब पर बैठ के फिर स्क्रॉल कर रहे हो। तो इन सब से बेटर है यार आप बस यूट्यूब को तभी खोलो जब आपको कुछ सर्च करके वीडियो देखनी हो, ढूंढनी पड़े वीडियो को, ना कि ब्राउज फीचर करके रैंडम डोपामिन हिट चाहिए आपको हर 10-10 मिनट में, वो तो यार मत ही करो। वैसे भी यूट्यूब खुद भी चाहता है कि इतनी ज़्यादा आप देर ना रखो, इसलिए यूट्यूब में एक फीचर होता है जिससे वो आपको रिमाइंड करवाता है कि भाई आपके 2 घंटे हो गए, 1 घंटा हो गया यूट्यूब लगातार चलाते हुए, तो थोड़ा रेस्ट ले लो। और वो आप फीचर सेटिंग में जाके एनेबल कर सकते हो और आप अपने डिस्प्ले पे भी देख पा रहे हो कि कैसे उसे एनेबल करना है, सेम फॉलो करना आप थोड़े स्टेप को और फिर उसे एनेबल कर लेना, ताकि आपको यार पता रहे कि आप कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। और मेरे हिसाब से तो यार आप मोस्टली इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए या फिर कुछ एक्वायर करने के लिए, वैल्यू एड करने के लिए अपनी लाइफ में ज़्यादा वीडियोज़ को देखो, ना कि जस्ट रिलैक्स करने के लिए, चिल करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए ना देखो। बट मैं सच बात यही है कि यार यूट्यूब को ज़्यादातर अब टाइम पास का सोर्स बनाया जा रहा है। 90-95% के आसपास जो भी कंटेंट हो रहा है वो सब टाइम पास ही है। 5% जो इन्फॉर्मेटिव वाला होता है वो यूट्यूब आपको दिखाता नहीं, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम वही आपको दिखाता है जिस पे आप ज़्यादातर क्लिक करते हो और ज़्यादातर पूरा देखते हो, इन्जॉय करते हो पूरा, तो वही आपको यूट्यूब एल्गोरिदम दिखाता है। तो मोस्टली जो 5% जो बचता है ना सच में एजुकेशन या इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो होती है वो आपको ढूंढनी पड़ती है, और ढूंढोगे तो डेफिनेटली आपकी अटेंशन बहुत ज़्यादा होगी उस वीडियो में, तो डेफिनेटली वो वीडियोस आपके काफ़ी काम आने वाली है। उसके अलावा अगर आप यूट्यूब एडिक्शन से हो गई है कि नहीं भाई हम तो यूट्यूब चलाते चलाते हैं माइंड रिलैक्स करने के लिए, माइंड रिलैक्स के नाम पे चलाते हैं, तो भाई कोशिश करो थोड़े दिन के लिए अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख दो, 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते 10 दिन के लिए, तो उसके बाद आपको पता चलेगा यार कि कितना ज़्यादा आपके पास टाइम बचता है, कितनी ज़्यादा नई चीज़ें आप कर सकते हो अपनी लाइफ में यार, काफ़ी ज़्यादा स्किल्स हैं जिनको सीख सकते हो, और उससे ज़्यादा आपको बेटर फील होगा अगर आप यूट्यूब पे बस 3 घंटे, अगर आप 10-15 वीडियो देख रहे हो और हर वीडियो 10 मिनट के, तो 2-3 घंटे वेस्ट करने के अलावा आप यार उन 2-3 घंटों में कुछ नया सीखोगे ना, तो उससे ज़्यादा अच्छा डोपामिन हिट मिलेगा आपको, ना कि आप बस एक यूट्यूब वीडियो पर स्क्रॉल कर जा रहे हो, रैंडम वीडियो देख रहे हो एंड उससे कोई भी आपका फ़ायदा नहीं होने वाला है। बाकी वीडियो को आज यहीं रखते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पता नहीं यार यूट्यूब पे रहेगी नहीं रहेगी वीडियो, बट फिर भी मैं इस वीडियो को अपलोड कर देता हूँ एंड अच्छी लगे तो लाइक कर ही देना एंड कमेंट में मेरे को ज़रूर से बताना नेक्स्ट वीडियो किस पे बनेगी।